प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं तो कई बार कह भी चुकी हूँ कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया इन्होंने, तो वहां से उसी तरह के लोग हैं ना जैसे वहां पर मौजूद हैं। मगर सर बात सारी ये होती है कि इस वक्त इंडिया की, चाहे आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देख लें या कुछ भी, वो बहुत आगे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। SCO की मीटिंग्स हो रही हैं, G20 को वो लीड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ से जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बजाय कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के, कोई ऐसी बात करने के जिससे के मामलात बेहतर हों, और उल्टा ये कहते हैं कि जी जंग को हम भारत के दरवाजे तक ले जाएंगे या घर तक ले जाएंगे, इसकी क्या वजह लगती है? क्या ये कि इनकी दुकानें क्योंकि थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं जो ये डिफेंस बजट के नाम पर और डिफेंस और DHA और ये सब कुछ बनते हैं इनके, तो क्या उसमें कोई उनको लग रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा, या लोग जो अब एकदम से पहले भी कहा करते थे, लेकिन अब इमरान खान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि खुल्लम खुल्ला जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट और उनका नाम लेके इमरान खान बोला करते हैं, तो अब एक आम आदमी, आम सिटीजन भी अगर कोई सड़क चलता हुआ है वो कहता है कि जी मुल्क का ये हाल जो है ना ये एजेंसीज ने किया है, तो क्या ये वजह है इनकी घबराहट की या किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो जो पहले हमने बात की कि वो अपनी अपनी एक अपना एक पैट्रियटिज्म जो है वो साबित करना, पहली बात। दूसरा एक एक पब्लिक कंजम्पशन के यार हमारी पॉलिसी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और हम अपने असूली मौकफ, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके ऊपर कायम है और इंडिया को हम किसी किस्म की कोई रियायत और नरमी देने को तैयार नहीं है। जब सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब और ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। तक के कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, तो ये इस किस्म की बातें जो है ये की जाती है। और तीसरा ये भी है कि अपनी अहमियत का एहसास दिलाना कि जनाब वो तो जी अगर हम नहीं होंगे तो फिर वो अटैक हो जाएगा और वो तो जी इंटिमिडेट कर रहे हैं हमें और हम हमारे ऊपर जारहाना अजायम रखते हैं, इस किस्म की बातें, ताकि ये है कि हमारी अहमियत बढ़े। और फिर अभी बजट भी आने वाला है तो बजट से पहले इस किस्म की बातें आप देखें, कई साल पहले आप देखें, कई सालों से ये बातें बजट आने से पहले शुरू हो जाती हैं। थ्रेट परसेप्शन जो है उसको बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि यार ये तो बड़ा मसला हो सकता है और इस मसले का हल हम ही है, लिहाजा फिर थोड़ा सा हाथ हौला रखें डिफेंस बजट। सर इस मसले का हल तो नहीं लेकिन इस मसले की वजह जरूर ये लोग हैं। लेकिन सर कश्मीर के ऊपर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, भारत के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के, वहां पे मॉल्स बन रही हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने शुरू किए हैं, तो आइंदा तो लगता है कि जो मुकाबला होगा या जो बहस होगी कश्मीर पे वो इसी चीज को लेकर होगी। अगर वो इतना डेवलप कर देंगे अपने साइड के कश्मीर को, और हमारे तरफ का कश्मीर सबको मालूम है वहां क्या हालत है, मोबाइल सर्विसेज तक ठीक नहीं चलती, रोड्स ठीक नहीं बनी हुई, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे? और आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो नहीं सकता, मतलब कश्मीर ये ले नहीं सकते इंडिया से, और तो बेहतर यही है कि जो हिस्सा इनके पास है उसको थोड़ा उसको डेवलप करें और थोड़ा दिखाएं कि हाँ जी हम भी जो है इस जगह को बना रहे, बजाय इसके कि उनका जो है वो बहुत अच्छा बन जाए और यहाँ वाले लोग कहें कि जी इससे तो बेटर था कि हम वहीं पे मतलब उनके साथ होते तो यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो जाती। जी जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहां पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है और अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, वहां पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। और उसके बरक्स अगर आप जो हमारे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जो है, उसमें आप जाके देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं और यहाँ पे अभी प्रॉपर रोड्स नहीं बन सकी यहाँ पे,
आज भी आपने अगर फर्ज करें जाना है इस्लामाबाद से आपने मुजफ्फराबाद जाना है, तो वो कोई इतनी अच्छी रोड नहीं है, वो दो रोड्स जाती हैं और वो दोनों की हालत अच्छी नहीं है। और वहां पे तो अब वो 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं और इतना कुछ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और फॉरेन कंट्रीज को वो ल्योर कर रहे हैं कि आपको हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं और आप यहाँ आए और आके इन्वेस्ट करें। तो अब तो यकीन करें कि लगता है कि कल को यहाँ की कश्मीर के जो लोग हैं वो हसरत से उन कश्मीरियों को देखेंगे जो वहां पे हैं, क्योंकि अगर लेट से कोई रेजिस्टेंस है भी तो वो कुछ 4-5 अजला है जहां तक है कश्मीर में, और उसको जी बहुत हद तक उन्होंने काबू कर लिया है। और अब वो सारा फोकस उनका है कि डेवलप किया जाए इसको, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उतना ज्यादा फिर इस बात का इम्कान बढ़ता चला जाता है कि रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस वहां पे होती है जहां पे के इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो उनको आप खत्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता, वो तो फिर वो उस तरह वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहती। तो इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है इसके ऊपर इस पर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको इसमें काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए। जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।